أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم वो जिसके लिए महफिल कोने ने सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है वो जिसके लिए महफिल कोने ने सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेक्सला के एक नवाही इलाके मलकाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर एक स्कूल है, वैसे तो इर्द गिर्द बहुत सारे स्कूल हैं, ताहम ये एक स्कूल एक मुनफरिद स्कूल है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और बड़ी अचीवमेंट्स हैं इस स्कूल की। तो आए देखते हैं कि क्या कहते हैं इसके प्रिंसिपल साहब, उन्होंने किस तरह ये स्कूल बनाया है और फिर अभी तक इस स्कूल की अचीवमेंट्स क्या हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ असद महमूद कियानी साहब का, जो कि इस बैकवर्ड एरिया में आए हैं और एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। तो सर, ये स्कूल तक आज से 6 साल पहले तकरीबन जब हमारी एकेडमी थी तो इसका आगाज़ हुआ। 2015 में स्कूल स्टार्ट किया गया। ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया था शुरू में। हमारी रेंटेड बिल्डिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टी के साथ, बच्चों के साथ मेहनत की दिन रात मेरी टीम ने और हमने मिलकर इस अदारे को प्रमोट करने की और इन लोगों को एजुकेशन की तरफ लाया। ये बैकवर्ड एरिया था जिसमें लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं था। यहाँ ज़्यादातर लेबर तबका है और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल भी नहीं थे। हमने उन लोगों को शऊर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके बच्चे PF में मुलाजम हैं, वान नोबल में। इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो कि अच्छी अच्छी पोस्ट में, फ़ौज आर्मी में हैं। तो अदारे का जो मेन मोटिव है, इन गरीब बच्चों को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अर्निंग का इसका मकसद नहीं है। तो बेस्ट ऑफ हम विशेष करते हैं जी सब तमाम इन लोगों को जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। असाज़ा के बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या सर, टीचर के हवाले से इस तरह के हमारी फैमिली के तकरीबन ज़्यादातर बंदे यहाँ पढ़ा रहे हैं। मेरी सिस्टर हैं, मैसी मैथमेटिक्स हैं वाई यूनिवर्सिटी से। मेरी मिसेज़ हैं मैडम तमीना इख्तियाज़ नाम है, थोड़ी देर के बाद वो भी आपसे गुफ्तगू करेंगी। उन्होंने वास MSc कंप्यूटर साइंस हैं वो, और बाकी काम सेट्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद भी पढ़ रहे हैं और सुबह के टाइम उन्होंने अपना 1-2 पीरियड लेके अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत खर्चा उनका निकल जाता है। जैसे कि एक लड़का है MSc कंप्यूटर साइंस है, आखिरी सेमेस्टर है उसका, शुएब साहब हैं BSc इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। इसी तरह 9th-10th में हमारी ये फैसिलिटी है, छोटी क्लासेस में हमने ग्रेजुएशन टीचर रखी हुई हैं जो कि बाकायदा परमानेंट टीचर हैं हमारी। और इस लोकेलिटी में इतनी ज़्यादा सहूलत देना पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम फैमिली ये सब मिलकर इस इदारे को चला रहे हैं। बात यह है कि आप माशाल्लाह, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं बेसिकली पहले बैंक में जॉब करता था, फिर मैंने रिज़ाइन करके फिर इस फील्ड में आया हूँ। मैंने MCOM किया हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो आपने अपने कारोबार बिजनेस के लिए जो है इस शोबे को क्यों चुना, ये कुछ थोड़ा बताइए इस बारे में। सर, मैं जब इस लोकेलिटी में आया, मेरी रिहाइश गुलबर्ग कलोनी में है, तो मेरा एक स्कूल में विज़िट हुआ तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोकेलिटी है बच्चे स्कूल की तरफ नहीं है, बाहर ज़्यादातर उनका ट्रेंड गली मोहल्लों में ज़्यादा था। जब लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ज़्यादातर उनके सोर्सेज नहीं थे। तो मेरे फादर की ये विश थी कि बेटा आपने कोशिश करनी है कि इन लोगों को पढ़ाना है। तो फिर मैंने एक छोटे से इदारे से पढ़ाना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने फिर एकेडमी में हमने अर्निंग स्टार्ट की और आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने उसमें तरक्की दी। मज़ीद हमने लोगों की खिदमत करना चाहिए, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने दिन रात
मेहनत करने के बजाय हमारा जो मेन मिशन था लोकेलिटी को कवर करना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस लोकेलिटी को 80% तक कवर किया है, उन बच्चों को फैसिलिटेट किया है। क्योंकि हमारी जो मेन मकसद है कोई अर्निंग करना नहीं है, बेसिक मकसद हमारा यही है कि लोगों को फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। थैंक्स ऑफ ऑल, बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल, तो हम इनसे कहेंगे ये पहले हमें अपने पूरा तारफ स्कूल का ख़ुद करा दें, एक दस्तावेजी बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा शाहीन पब्लिक स्कूल जमीलाबाद स्ट्रीट नंबर 36 में है और हम यहाँ पे कम्पेन रन कर रहे हैं जिसमें सर ज़हूर अहमद हैं जिनकी सुपरविजन में हम यहाँ पे हम सब लोग एज अ टीम वर्कर वर्क कर रहे हैं। हम यहाँ पे तमाम फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं और सर ज़हूर साहब की सुपरविजन में काम कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे सर ज़हूर का मोटिव ये है गरीब आवाम को बेहतर से बेहतर तालीम सरास्ता करना। अगर देखा जाए कि आजकल के माहौल के मुताबिक और आजकल के मुल्की हालात के मुताबिक माशरे में हमारे जो तमाम चीज़ें चलती जा रही हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लोगों के लिए एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस सूरत हाल के पेश नज़र सर ज़हूर बेहतर से बेहतर माहौल में एक अच्छे स्टाफ की ज़ेर निगरानी अपने इस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं और इन तमाम स्टाफ मेंबर्स में से मैं भी एक मेंबर हूं जो उनकी मददगार हूं। यहां पर हमारे इलाके में रहने वाले ज़्यादातर लोग मज़दूर तबका है, आप सब जानते हैं यहां के लोग, ये एक इलाका ऐसा है जहां पे ज़्यादातर लेबर लोग यहां पे रहते हैं और उनकी आमदनी भी रोज़मर्रा के लिहाज से आमदनी बहुत कम है। 4-5 बच्चे हर एक फैमिली मेम्बर के घर में मौजूद हैं और उनको पढ़ाना लिखाना, उनके मदरसे, उनके रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल और एक ऐसा क्राइटेरिया क्रिएट कर दें कि यहाँ के लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नहायत कम फीस में और अच्छे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में हम इनको अच्छा माहौल देना चाहते हैं। हमारा बेहतर से बेहतर तरीका होगा यहाँ पर लोगों को अच्छा माहौल देना और बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मोटिव है कंप्यूटर की स्किल को लोगों में इनोवेट करवाना, राइटिंग स्किल लोगों की बेटर करना, रीडिंग पावर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करवाना, ये तमाम चीज़ें हमारा यहाँ पे मोटिव है और इंशाल्लाह हम इस पर काम करने में कोशिशें रहेंगे। अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छा जज्बा आपका, लेकिन ये बताएं अभी तक आपने जो कुछ किया है जितने अच्छे से आप मुतमईन हैं कि आपको उसके मुताबिक रिज़ल्ट मिल रहा है और वो आप जिस तरफ इस सोसाइटी के बच्चों को जिस डगर पर लाना चाह रही हैं उसमें आप कामयाब हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे इदारे को काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं इनिशियल स्टेज से इस इदारे में वर्क कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आई थिंक आई वाज द फर्स्ट मेंबर इन दिस सोसाइटी, तो जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके मुताबिक हमने जो अभी तक कंपेन चलाई है इसमें हम लोग 100% से 95% हम रिज़ल्ट दे चुके हैं। जो मेरा मोटिव ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी बेस अच्छे तरीके से, देखिए जब हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं उसमें जब तक हम अपनी बेस को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब हमारी बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो मैं हमारा मोटिव ये है कि जो मोंटेसरी लेवल में जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी बेस को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे जब वो अप लेवल पर जाएँ तो हमें ये ना सोचना पड़े कि यार ये बच्चे कैसे ग्रो करेंगे आगे। जैसे कि हम एक पौधा लगाते हैं उसको हम पानी देते हैं तो वही पौधा ग्रो करता है, जब हम उसको पानी ही नहीं देते हमें कैसे कह सकते हैं कि पौधा ग्रो करेगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे यकीन है कि 95% हम अपनी कंपेन में अच्छा काम कर चुके हैं और मज़ीद इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दें ताकि हम जिस मोटिव पर काम करें उसमें हम सुरखरू हो सकें। अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों। बहुत शुक्रिया मैडम, और बस आखिरी अल्फाज में यही कहूँगा कि एक ऐसे इलाके में जहाँ मेहनतकश और मज़दूर तबके के लोग रह रहे हैं जो तालीम की तरफ वैसे ही तवज्जो नहीं देते और ना उनके पास वसाइल हैं, ऐसे हालात में एक जज्बा जिहाद है ये कि आप उन लोगों को मोटिवेट करके इस हद तक आमादा करते हैं कि वो अपने कमसिन बच्चे भी और अपने दूसरे बच्चों को मजदूरियों पर बाहर भेजने की बजाय इस मुश्किल तरीन हालात में वो स्कूल भेजते हैं और स्कूल से उनके बच्चे जो हैं वो आगे मुस्तकबिल में, ज़रूरी नहीं है कि मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही रहे, ये बच्चे हमारे मुल्क की क़ियादत करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक अकेडमी है और बहुत खिदमत खल्क का काम है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।